हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे हाउसिंग सिस्टम्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर डेयरी एनिमल्स। आज का लेक्चर हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे बिकॉज हिंदी मीडियम वालों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पूरा पीडीएफ है ही, आप उसे देख सकते हैं। प्लस मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप लोगों को भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पशुओं को खराब मौसम से बचाने के लिए, पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ आरामदायक रहने और कुशल प्रबंधन के लिए पशु आवास की आवश्यकता है। अतिरिक्त श्रम प्रभार में अपर्याप्त और अनुचित नियोजना परिणाम और शेड के रखरखाव में लागत में वृद्धि हुई है। पशुओं के लिए पर्याप्त आवास यानी हाउसिंग का उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि, बेहतर श्रम उपयोग, पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुओं को बेहतर देखभाल और प्रबंधन है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले यानी हाई क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत की कीमत और बेहतर लाभ होता है। ठीक है, यही लास्ट लाइन है, बेटर प्रॉफिट ऑफ द फार्म। फर्स्ट लाइन देखें तो एनिमल हाउसिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम इनक्लीमेंट वेदर। यहाँ पे इनक्लीमेंट वेदर का मतलब है खराब मौसम। ओके, प्रोवाइड क्लीन कंफर्टेबल स्टे फॉर गुड हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट। चलिए आगे चलते हैं। कई प्रकार के हाउसिंग उपलब्ध हैं। किसान को लोकल एनवायरमेंट और इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त हाउसिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि लोकल एनवायरमेंट भी चेक करना चाहिए और इकोनॉमिक स्टेटस भी उसको, मतलब कि आर्थिक स्थिति भी उसको देखनी चाहिए। जानवरों के आराम से समझौता किए बिना छत, फर्श और दीवारों के निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री मतलब कि लोकली अवेलेबल मटेरियल्स का उपयोग करके जानवरों के हाउसिंग की ओर मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, सिस्टम ऑफ हाउसिंग का बात करें तो तीन टाइप के होते हैं ये। फर्स्ट है लूज हाउसिंग, देन कन्वेंशनल एंड देन फ्री रेंज सिस्टम। लोकल कंडीशन और इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए फार्मर को हाउसिंग सिस्टम चूज करना चाहिए। लूज हाउसिंग सिस्टम इंडियन कंडीशन में ज़्यादा सुटेबल है। चलिए एक एक करके तीनों हाउसिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है कन्वेंशनल पॉन्ड्स। कन्वेंशनल पॉन्ड्स हाउसिंग दिन ब दिन कम लोकप्रिय होता जा रहा है क्योंकि वे तुलनात्मक रूप से महंगे मतलब ज़्यादा कॉस्टली हैं। कैटल्स कन्वेंशनल पॉन्ड्स हाउसिंग में क्लाइमेटिक कंडीशन से अधिक सुरक्षित हैं। इन्हें स्टैंशियन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। इस हाउसिंग में जानवरों को एक प्लेटफॉर्म पर सीमित किया जाता है और स्टैंशियन मतलब गर्दन की चेन या रस्सियों द्वारा गर्दन पर सुरक्षित किया जाता है। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टैंशियन बॉन्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, अभी आपको नीचे डायग्राम में भी क्लियर हो जाएगा बाकी का। ठीक है, वही उनके चारा दिया जाता है और मिल्किंग भी होती है। हाउसिंग पूरी तरह से छत वाले हैं और उपयुक्त स्थानों पर खिड़कियां या वेंटिलेशन के साथ दीवारें भी पूरी हैं। ठीक है, मतलब खिड़कियां वगैरह हैं और वेंटिलेशन होता रहता है थ्रू द हेल्प ऑफ डोर्स और विंडोज़। ओके, हिमालय रीजन्स में इस हाउसिंग सिस्टम को अपनाया जाता है जहाँ सर्दी लंबी और गंभीर होती है। ठीक है, यही डायग्राम से हम देखते हैं तो ये स्टेंशन जो दिख रहे हैं कि वहीं पे कैटल्स को सबको खाना दिया जा रहा है और अलग अलग चैम्बर टाइप कर रखा है हर एक कैटल्स का और पूरी तरह उन्हें कवर्ड कर रखा है। ठीक है, सबका प्रॉपर अलग अलग चारा भी है और यहीं इनको चारा लाके दे दिया जाता है। चलिए एडवांटेजेस का बात करते हैं। तो पहला है कठोर मौसम का पशुओं को कम सामना करना पड़ता है। दूसरा है पशुओं की साफ सुथरा रख रखाव हो सकता है और बर्न्स में बीमारियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। अलग मिल्किंग पार्लर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसकी एडवांटेजेस। अगर डिसएडवांटेजेस का बात करें तो लूज हाउसिंग की तुलना में शेड की निर्माण लागत यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अधिक है। दूसरा, कन्वेंशनल बारेंस हाउसिंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए उपयुक्त नहीं है और इसका फ्यूचर एक्सपांशन के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ कम है। नेक्स्ट है लूज हाउसिंग सिस्टम। इस हाउसिंग में दूध देने के समय को छोड़कर पूरे दिन और रात में जानवरों को एक खुले पेडॉक में ढीला रखा जाता है। खुले पेडॉक को एक तरफ शेल्टर के साथ प्रदान किया जाता है जिसकी तरह पशु गर्मी या ठंड या बारिश के दौरान रहते हैं। डायग्राम में आप नीचे भी देखेंगे, एक शेल्टर है और सामने ओपन स्पेस है। शेड के भीतर एक कॉमन यानी आम पानी की टंकी और आम चारा मंगाया जाता है। मिल्किंग के टाइम पर उन्हें एक अलग मिल्किंग बैरन में फीड किया जाता है। खुला पैडॉक आधी दीवारें और उपयुक्त ऊंचाई के लकड़ी या सादे तार के बाड़े से घिरा होता है। इस प्रकार का हाउसिंग टेम्परेट हिमालय एंड हैवी रेनफॉल वाले एरिया को छोड़कर देश के अधिकांश भाग में उपयुक्त होता है। ये इसका मेजर ड्रॉबैक है कि ये जो हिमालयन रीजन्स हैं और जो हैवी रेनफॉल वाले एरिया है वहाँ नहीं मिलता है। ओके,
एक मिल्किंग पार्लर का निर्माण हमेशा किया जाता है जिससे मिल्किंग टाइम में गायों को मिल्क किया जाता है। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, इसी का मैं बात कर रही थी। ये ग्रीन जो है ये शेल्टर है जहाँ पे ठंड सर्दी गर्मी सभी में यहाँ पे बारिश के टाइम पे यहाँ पे आके गायें बैठ जाती हैं और वो अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करती हैं, और सामने खुला फ्री कंडीशन है। ओके, एडवांटेजेस का बात करें तो लूज हाउसिंग सिस्टम का निर्माण सस्ता है और इजीली एक्सपांडिंग है और यूटिलिटी में भी फ्लेक्सिबल है। दूसरा है आम जो मतलब कॉमनली उनका फूड होता है या कॉमन पानी होता है उसकी व्यवस्था के कारण स्टॉक का मैनेजमेंट भी ईजी हो जाता है। तीसरा है पशु ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं फ्रीली घूमने में। फोर्थ है स्टैंडर्ड स्टॉक से कम 10-15% अधिक स्टॉक को उनके परफॉर्मेंस को प्रभावित किए बिना छोटी समय यानी शॉर्ट पीरियड के लिए अकोमोडेट किया जा सकता है। फिफ्थ इज जानवरों में गर्मी का पता लगाना आसान है और जानवरों को भी पर्याप्त व्यायाम मिलता है जो बेहतर स्वास्थ्य उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है। डिसएडवांटेजेस का बात करें तो कन्वेंशनल बैरन की तुलना में अधिक फ्लोर स्पेस की आवश्यकता होती है यहाँ पे, और पशुओं के बीच चारे के लिए कॉम्पिटिशन भी हो सकता है। इंडिविजुअल एनिमल पर ध्यान नहीं दिया जाता है और एक अलग से मिल्किंग पार्लर की भी जरूरत होती है। और एक जो मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया था वो ये था कि हैवी रेनफॉल और टेम्परेट एरियाज में सूटेबल नहीं होता है। तीसरा है फ्री रेंज सिस्टम। इसमें एक बड़ी संपत्ति में जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। फ्री रेंज सिस्टम या रेंचेस एक प्रकार के हाउसिंग की बजाय एक प्रकार के स्टॉक मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। यह क्षेत्र आमतौर पर एक प्राकृतिक या खेती की गई यानी कि पास्चर लैंड है जिसमें सुविधाजनक स्थानों पर स्थित पानी के बिंदु और आश्रय यानी शेल्टर है। इस तरह की खेती उन जानवरों के अनुकूल है जिन्हें रोजाना नहीं संभाला जाता है, जैसे कि बीफ कैटल। ओके, साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में बिग कैटल एंड शीप रेंचेस काफी कॉमन है। इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न एरिड पार्ट्स एंड हिली रीजन्स में शीप रेयरिंग का काफी स्कोप है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बहुत ओपन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शीप्स खुली घूम रही हैं, उनके आसपास कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो हाउसिंग है ये एक्चुअली हाउसिंग भी नहीं है, ये स्टॉक मैनेजमेंट है, इसको फ्री रेंज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम से दिख रहा है, ये बाहर का सीन है, ये ऑस्ट्रेलिया का सीन है और ये शीप ब्रीड्स भी जो वहीं की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिल्डिंग्स फॉर डेयरी एनिमल्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो टाइप की बिल्डिंग्स फॉर डेयरी एनिमल्स यहाँ दी गई हैं, जिसमें से पहला है एसेंशियल बिल्डिंग्स जिसके अंतर्गत आता है जो अभी हम मिल्क पैरन और ये सब पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा है एंसिलरी बिल्डिंग्स। ओके, तो इसके अंदर सिलोज वगैरह आता है, वो भी हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मिल्किंग पैरन से। यह पूरी तरह से ढका हुआ खलियान है एंड मिल्क एनिमल्स आर मिल्क हियर, और सेंट्रल प्लेस पर लोकेटेड होता है। स्टैंडिंग स्पेस की लंबाई और चौड़ाई पशु के आकार पर निर्भर करती है और 1.5 से 1.7 मीटर की लंबाई और 1.05 से 1.2 मीटर की चौड़ाई तक होती है। सेंट्रल पैसेज की चौड़ाई 1.5 से 1.8 मीटर होती है। लगभग 20 सेंटीमीटर चौड़ा एक यू शेप का नाला सेंट्रल पैसेज के दोनों ओर स्थित है। शेड की छत को समतल किया जाना चाहिए, अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन देखें तो छत की दीवारें बांज की दीवारों से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। बड़े खुले स्थान का साइड की दीवारों पर छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट शेड जो एसेंशियल बिल्डिंग में आता है वो है मिल्च या ड्राई एनिमल शेड। यह शेड हाउसिंग मिल्च काउस और ड्राई काउस के लिए अलग अलग होता है। यह एक सिंपल शेड है जिसमें एक क्लोज एरिया और आसपास के खुले पैडॉक शामिल है। फर्श पर ईंट पत्थर या कंकड़ यूज कर सकते हैं, किनारों पर ईंट बेहतर है। जो मैटरनिटी पैंस होते हैं उसमें 2-3 वीक पहले प्रेग्नेंट एनिमल को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, काफ शेड्स का बात करें तो काफ शेड्स मिल्किंग बैरन के पास स्थित होता है। अगर बड़ी संख्या में बछड़े मौजूद है तो अलग अलग एज के बछड़ों को प्रॉपर फूड के लिए अलग अलग रखा जाता है। यंग स्टॉक शेड का बात करें तो 6 मंथ की उम्र में से लेके 1 साल की उम्र तक के बछड़ों को सकलिंग केव्स अलग रखा जाता है। आखिर है बुल शेड का कवर्ड एरिया 3-4 मीटर और ओपन पैडॉक का 120 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद जो ऑक्सिलरी बिल्डिंग्स हैं, एंसिलरी बिल्डिंग्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है फीड स्टोर और एक होता है स्ट्रॉ शेड। ओके, और इसी के अंतर्गत आता है सिलोस फीड स्टोर्स के अंदर, जिसको हिंदी में भूमिगत कक्ष कहते हैं, विच आर यूज टू स्टोर ग्रेन्स। ओके, नेक्स्ट है फूड स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे टेबल में देखिए अच्छे से दे रखा है कि फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट मीटर स्क्वायर में दे रखा है, जिसके अंतर्गत कवर्ड एरिया और ओपन एरिया दे रखा है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स पर पैन दे रखा है, और फिर हाइट ऑफ द शेड भी दे रखा है। इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि बुल्स का, काउस का, बफेलोज का, डाउन काउस और यंग काउस सभी का
यहाँ पे अच्छे से टेबल फॉर्म में फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट दे रखा है. हाइट 175 सेंटीमीटर इन मीडियम एंड हैवी रेनफॉल में 220 होती है ड्राई एरियाज में. ठीक है, नेक्स्ट है फीडिंग एंड वाटर स्पेस रिक्वायरमेंट. इस टेबल में आप देखें तो स्पेस जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है और टोटल मैनेजर लेंथ भी सेंटीमीटर में दे रखी है. इसमें भी एडल्ट कैटल और बफेलो का आपको दिखा रखा है और एक काउस का भी आपको पूरा डाटा दिखा रखा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेआउट फॉर डेयरी फार्म्स. मतलब क्या क्या कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं उसका पूरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज लेआउट. देखिए जो भी अभी हमने पढ़ा है, चाहे वो मैटरनिटी पेंस हो या चाहे काफ शीट्स हो, यंग स्टॉक शीट हो, सभी यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, और देखिए यहाँ पे साइड में एक मिल्किंग पार्लर भी दे रखा है. चलिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हेड टू हेड का बात करें या टेल टू टेल का बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि पहले डायग्राम देखेंगे. देखिए ये गटर बना रखा है और ये टेल टू टेल वाला अरेंजमेंट है. ठीक है, हम देख सकते हैं इसको. यहाँ पे फीडिंग पैसेज है, मैनेजर है, स्टैंडिंग प्लेस है एंड मिल्किंग प्लेस है. ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं फिर देखेंगे. एडवांटेज इसका बात करें तो पहला एडवांटेज तो यही है कि डिजीज इससे स्प्रेड नहीं हो सकती है. ठीक है, और जो काउज है उनको फ्रेश एयर मिलती है बाहर से. ठीक है, और जो मिल्क मैन है उसको भी इजी रहता है. आप वापस डायग्राम से देखिए, इनका मुंह बाहर की साइड है तो इनको एयर लेने में इजी रहता है. बीच में गटर है तो इजीली वेस्ट का डिस्पोजल हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो हेड टू हेड है उसका भी डायग्राम देख लीजिए. इसका जो बेनिफिट्स है वो ये है, ये फूड इजीली हमें फूड देने में प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज हमें सिर्फ बीच में डालना है, अनलाइक टेल टू टेल जहाँ हमें अलग अलग फूड देना पड़ता है. ठीक है, बट ड्रॉबैक भी है इसका कि इसकी वजह से डिजीज़ जो है वो काफ़ी हद तक फैल जाती है बिकॉज इनके हेड बहुत पास पास में होते हैं तो ईजिली डिजीज़ का स्प्रेड हो सकता है. ये इसका मेजर ड्रॉबैक है. चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा. आप मुझे उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, और पीडीएफ वगैरह जो है वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगी और नीचे लिंक भेजूँगी, आप उस साइट पर जाके भी देख सकते हैं. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए.